अंदर कृष्ण ने सुन लिया और कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर गए। और जैसे ही बूढ़ी माता ने कृष्ण का दर्शन किया, मानो जन्म जन्म की थकान एक क्षण में उतर गई। कृष्ण का सुंदर दर्शन, मोहक दर्शन, टकटकी लगा करके निहार रही है, अपनी आंखों से मानो कृष्ण के दर्शन को पी रही है। दर्शन करती करती कृष्ण को अपनी गोदी में बिठा लेती। कृष्ण बात कर रहे हैं, मैया मैया। बूढ़ी माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये मनमोहक, ये सुंदर सा बच्चा, राज परिवार का राजकुमार लगता है, ये मुझे मैया कहकर के पुकार रहा है। कृष्ण के मुखारविंद पे हाथ फेरने लगती है, सिर पे हाथ फेरने लगती है, आलिंगन करती है। कृष्ण इस बूढ़ी माता से बोलते, मैया मुझे फल दे दो। इस माता की इच्छा तो है कि मैं फल क्या सर्वस्व दे दूं, लेकिन सोच रही है यदि मैंने फल दे दिए तो ये तुरंत अंदर चला जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, तो थोड़ा छेड़ रही है। बूढ़ी माता कृष्ण को बोलती है कि लाला तुझे फल तो दे दूं, लेकिन तू बदले में क्या देगा, कुछ तो दे। कृष्ण बोलते हैं, देखो मेरी मैया तो मुझे रोज खिलाती है, वो तो कुछ बदले में नहीं मांगती। मैं तो आपको मैया पुकारा हूं, मुझे आप बदले में क्यों कुछ मांगती हो। बूढ़ी माता हंसने लगी, नहीं नहीं, आज तो जब तक कुछ देगा नहीं तुझे फल नहीं मिलेंगे। कृष्ण बार बार जिद्दी कर रहे हैं, मैया बार बार छेड़ रही है, जिससे बात चलती रहे, ये दूर ना जाए, इसको मैं देखती रहूं। कृष्ण बोलते हैं, अभी रुको, मैंने बाबा को देखा है। बाबा जब कुछ सामान लाते हैं, घर से अनाज लेके जाते हैं, और अनाज दे करके बाबा उस सामान को खरीद के लाते हैं, मैं भी अनाज लेके आऊंगा। दौड़ते दौड़ते अंदर जाते हैं। नंद बाबा और यशोदा बोलते हैं, कृष्ण क्या कर रहे हो। बोले, आज मैं खरीदी करने जा रहा हूं, अपने जीवन की पहली खरीदी करूंगा। बूढ़ी माँ बाहर बैठी है, वन के फल खरीदूंगा, मुझे अनाज दो। नंद बाबा बड़ा सा पात्र सेवक को बोलते हैं, जाओ इसके साथ लेकर के जाओ। कृष्ण बोलते, नहीं नहीं बाबा, आप थोड़ी खरीदी कर रहे हो, मैं खरीदी कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से लेके जाऊंगा। छोटी छोटी मुट्ठी में अनाज को भरते हैं। अच्छा, वैसे ही तो त्रिभंग है, तीन तरफ से टेढ़े हैं, और चाल इतनी चपल है, इतनी नटखट है कि सीधा चलना तो आता ही नहीं। इतना ढुमक ढुमक के चल रहे हैं, जितना 10-12 दाने अनाज के हाथ में थे वो भी गिर गए, मात्र एक या दो दाने हाथ में बचे हैं। उस बूढ़ी माँ के पास आकर के हाथ में दे देते हैं, मान लो ये अनाज लो और फल दे दो। बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे आज सौदा हुआ है। सारे फल एक एक करके भगवान के हाथ में संभला रहे हैं, ऊपर तक छाती तक फल भर दिए। कृष्ण नाचते हुए फलों को लेकर के अंदर गई। माता रोने लगी, आज मेरा जीवन सफल हो गया, इतना प्रेम मुझे पूरे विश्व में नहीं मिला जितना आज ये छोटा सा बालक ये 10 मिनट में दे गया। माता नाचती हुई गाती हुई टोकरी को लेकर के जाती है, और जैसे ही यमुना के तट पे पहुंचती है, पार करने के लिए टोकरी नीचे उतारती है, देखती है उसकी पूरी टोकरी भरी हुई है हीरे जवाहरात, स्वर्ण चांदी के आभूषण लबालब उस टोकरी में भरे हुए हैं। पता है उसको देख करके क्या करती है, उसको देख करके ये बूढ़ी माता रोने लगती है। बोलती है, वाह रे कृष्णा, मैंने अपना सर्वस्व, अपना प्रेम तुझे न्योछावर किया, और तू मुझे ये संसारी कोड़ियां दे रहा है। उठा करके टोकरी को यमुना जी में फेंक देती है। ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा प्रेम चाहिए। देखो, भगवान के पास भौतिक आकांक्षाओं से मत आओ, ये तो देवी देवता भी दे देते हैं। भगवान विशुद्ध प्रेम आपका स्वीकार करना चाहते हैं। उस विशुद्ध प्रेम को स्वीकार करा है भगवान ने। आज वो बूढ़ी माता बोलती है, मैं तो अब ब्रज में ही रहूंगी, शाश्वत ब्रजवास उस बूढ़ी माता ने किया है। भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं। अब भगवान को एक नई जिम्मेदारी दी जाती है। भगवान को जिम्मेदारी दी जाती है, नंद बाबा एक दिन कृष्ण को बुलाते हैं और बोलते हैं, कृष्ण देखो हमारा परिवार है ग्वालों का, हम ग्वाल जो है ना, हमारी जीविका चलती है गायों को पालन करने की से,
लेकिन अभी तुम बड़े छोटे हो, 4 वर्ष आयु है, तुमको हम गाय नहीं देंगे, छोटे छोटे बछड़े देंगे। तुम बछड़ों को चराना शुरू करो और इन बछड़ों को नंद भवन के आसपास ही ले जाना, वहीं पर चराना, जहां तक मेरी दृष्टि जाए वहीं तक तुम्हारा जाने का अधिकार है। कृष्ण आनंदित हो गए, बछड़े चराना शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो बछड़ों को कैसे संभालना है पता ही नहीं था, आगे से बछड़ों को ले जाने की बजाय पूछ पकड़ते हैं, और जब पूछ पकड़ते हैं बछड़ा डर जाता है और बछड़ा दौड़ने लगता है और ये पूछ से घसीटते घसीटते जमीन में जाते हैं। कृष्ण और बलराम बछड़ों को पाल रहे हैं, भगवान को नाम मिला वत्सपाल। कंस ने एक असुर को भेजा, ये असुर ने सोचा ये बछड़ों को चरा रहा है, मैं एक काम करता हूं बछड़ा बन जाता हूं। बछड़ा बन करके भगवान के बछड़ों में ये मिल गया, और भगवान जब उस बछड़े के रूप में असुर को देखते हैं उसका वध कर देते हैं। अब वध तो किया, लेकिन बाकी जितने सखागण थे भगवान का बहिष्कार कर देते हैं, जा गंदा है तू, क्यों तूने बछड़े को मार दिया, गौ हत्या की तूने। भगवान समझाते हैं, अरे बछड़ा नहीं असुर था वो, असुर हो जो भी हो तूने गाय की हत्या क्यों की, बछड़े की हत्या क्यों की, अब तो तेरे साथ हम नहीं खेलेंगे। भगवान बड़ा विनय कर रहे हैं, अरे खिलाओ ना साथ में, मैं थोड़ी अकेले जाऊंगा, नहीं नहीं अब तू बाहर। बोलते कोई तो उपाय होगा, मधुमंगल ब्राह्मण पुत्र है, अच्छा ब्राह्मणों के पास सारे इलाज होते हैं, बोला तुम ही बताओ। मधुमंगल खड़े होकर के बोलता है, अगर ये जाके गंगा स्नान कर आए तो अच्छी रहे, गंगा में पाप धो के आएगा तब हमारे साथ नहाएगा, तब तो हमारे साथ खेलेगा। कृष्ण बोलने लगे, कहाँ जमुना जी, प्रयाग जाऊंगा आऊंगा, यहीं गंगा जी को बुला लेता हूँ। अच्छा हुआ ऐसा था कि भगवान जब वन में जाते ना तो यमुना जी के पास बड़ी लीलाएं करते, यमुना के जल में खेलते स्नान करते, और पता है पानी कैसे पीते थे, जैसे बछड़े मुख लगा के जीभ से चाट के पानी पीते हैं ऐसे कृष्ण यमुना में मुख लगा के जीभ से चाट के पानी पीते थे, हाथ में नहीं पीते थे। तो ये देख के गंगा जी को बड़ा दुख हुआ। गंगा जी भगवान को बोलती हैं, ये यमुना कितनी श्रेष्ठ है, कितनी भाग्यशाली है, लोग बोलते हैं नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा, निम्नगानम यथा गंगा, लेकिन ये यमुना मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली है, आप इसको जितना प्रेम दे रहे हो मुझे नहीं मिला, मुझे भी आपकी लीलाओं में भाग चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानस से गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा नदी वहां बहने लगी। आज आप जो मानसी गंगा कुंड देखते हैं पहले नदी थी, भगवान ने स्वयं ने प्रकट किया, उसमें स्नान किया और सब गोप बालकों के साथ खेलने लगे। साथ ही में भगवान को पता पड़ा नंद बाबा और यशोदा जा रहे हैं गंगा स्नान करने। नंद बाबा और यशोदा को बोलते हैं, मैया बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने ब्रज में ही गंगा बहा दी है। और कितने सरल ब्रजवासी हैं, इस छोटे बालक की सारी बात मान जाते हैं, अगर नाला दिखा के भी कृष्ण बोलते ना ये गंगा है तो नंद बाबा वहां भी स्नान कर लेते। यहां तो साक्षात भगवान ने गंगा प्रकट की है, मानसी गंगा में भगवान स्नान करते हैं। रात्रि के समय आज कृष्ण बोलते हैं बाबा से, बाबा आज ना मैं मैया के साथ नहीं सोऊंगा, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। बाबा इतने प्रसन्न, अरे वाह आज तो मेरे साथ सोने के लिए आया मेरा लाला, बड़ी अपनी अंजलि में भर लेते हैं और पास में सुला लेते हैं। थोड़ी देर होती है बाबा के पास कृष्ण बैठ के बोलते, बाबा आप कोई काम के नहीं हो, क्यों आपको सुलाना भी नहीं आता। अच्छा बाबा कथा सुलाते तो वैसे ही कृष्ण सो जाते जैसे आप लोग सोते हो बीच बीच में, लेकिन कृष्ण बोलते हैं आपको सुलाना भी नहीं आता, क्यों मैया रोज हमें बड़ा सा दूध का पात्र पिलाती है फिर हम सोते हैं, दूध लेके आओ। अब बेचारे बाबा आज तक रसोई में कभी गए नहीं, बेचारे बूढ़े बाबा रात में कैसे टटोल टटोल के पहुंचे रसोई, चूल्हा जलाया, दूध रखा, दूध गर्म किया, पात्र में भरा, लेके आए। पहली बार नंद बाबा रसोई में गए, दूध लेकर के आए और कृष्ण ने एक घूंट दूध पिया और फेंक दिया, छी 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 कैसा दूध लाए हो, ऐसा कोई दूध होता है, इसमें मिश्री कौन डालेगा, बिना मिश्री के दूध थोड़ी पीता हूं मैं, जाओ मिश्री डाल के लाओ। बेचारे नंद बाबा फिर रसोई में गए,
अच्छा रसोई जिसकी होती है उसको ही पता होता है कहाँ सामान रखा है, ये तो आज तक चल रहा है ये परंपरा। कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होगा, कोई शक्तिशाली इतना नहीं होगा कि दूसरे की रसोई में सामान ढूंढ के बता दे, भले ही सामने रखी हो। बेचारे नंद बाबा ढूंढते रहे, ऐसे जैसे मिश्री मिली पीस करके मिश्री डाली, फिर दूध लेकर के आए, फिर कृष्ण दूध के देखते हैं, बाबा आपको सब चीज सिखानी पड़ेगी, इसमें केसर कौन डालेगा, मेवा कौन डालेगा, ऐसा कोई दूध होता है? नंद बाबा बोले, बेटा मैं समझ गया, तुझे सोना नहीं दूध पीना नहीं, तू तो जा तेरी मैया के पास, मुझे सोना है, जा। नंद बाबा मैया यशोदा के पास छोड़ करके गए। मैया बोलती, हो गया बाबा का प्यार? हाँ मैया आप ही अच्छी हो, मेरे को तो आप ही सुलाती हो अच्छे से, आजा आजा मेरे पास सो जा। कृष्ण बोलते, मैया कहानी सुनाओ ना, रोज कहानी सुनना है। मैया बोलती, तुझे रोज कहाँ से कहानी ला के सुनाऊं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये, मैं कहानी सुनाती हूँ और तू सो जाता है, मुझे पता ही नहीं पड़ता तू कब सो गया, मैं कहानी तो सुनाती रह जाती हूँ। तो आज एक काम करते हैं, आप सब सुन रहे हो ना, आज एक काम करते हैं, मैं कहानी सुनाऊंगी और तू बीच बीच में बोलना हूँ, क्या बोलना, जोर से करके बताओ, हुंकार चलती रहेगी तो कहानी चलती रहेगी, क्या करना है आप सबको, हाँ वेरी गुड। अब मैया यशोदा कहानी सुना रही है। मैया यशोदा कृष्ण को बोलती है, कृष्ण पता है एक अयोध्या नगरी थी। कृष्ण ने क्या बोला, जोर से बोलो, वेरी गुड। और फिर मैया यशोदा बोली, पता है उस अयोध्या नगरी में दशरथ महाराज थे। कृष्ण क्या बोला, हाँ, और दशरथ महाराज के 4 पुत्र थे, वेरी गुड। और उन 4 में से ज्येष्ठ पुत्र था राम, और राम का विवाह हुआ जानकी से, और पिता की आज्ञा से ये जानकी और राम वन में गए, और वन में जब पंचवटी पहुंचे तो रावण सीता का हरण करके ले गया। अभी कृष्ण हूं नहीं भरी, अभी कृष्ण बिस्तर पे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, हे सौमित्र लक्ष्मण मेरा धनुष लेके आओ, मैं अभी जाऊंगा सीता को वापस लेके आऊंगा, रावण का वध करके आऊंगा, लंका तहस नहस कर दूंगा। माता यशोदा कृष्ण को बोली, ले रे तुझे आगे की कहानी किसने बताई? तब कृष्ण करवट डाल के सो गए। सुंदर कथाएं भगवान की अनंत, प्रतिदिन ऐसी अनंत मनमोहक लीलाएं कृष्ण करते। अब धीरे धीरे वन में आगे जाने लगे हैं। एक दिन यमुना के तट पर भगवान अपने सब सखाओं के साथ खेल रहे हैं। कंस ने पूतना के भाई को बुलाया, बकासुर, और कंस ने बोला, तू कैसा भाई है, तुझे इतनी राखी बांधी पूतना ने, आज उसकी मृत्यु हो गई, तू बदला लेने नहीं जा रहा? बकासुर बोला, लो हमसे किसी ने कही नहीं, कहां जाना है बताओ, जाओ ब्रज में मेरा काल है, उसको ढूंढो और उसका वध करो। अच्छा कंस को पता ही नहीं पड़ रहा था ये मार कौन रहा है, क्योंकि जो जाता था वापस तो आता ही नहीं था बताने के लिए। तब ये बकासुर गया और यमुना के तट पर बगुले का रूप लेकर के खड़ा हो गया एक पैर पर। हमारे आचार्य बताते हैं ये ढोंगी बाबा ऐसे ही होते हैं, बाहर से बगुला दिख रहा है लेकिन अंदर से राक्षस खड़ा हुआ है। कृष्ण बलराम सारे सखा जाते हैं और देखते हैं, देखो देखो कृष्ण इतना सुंदर बगुला, इतना बड़ा बगुला कभी देखा ही नहीं, छोटे छोटे बगुले तो इतने देखे, ये बड़ा बगुला आज तक देखा नहीं। कृष्ण जैसे ही पास में जाते हैं ये बगुला अपनी चोंच खोल के कृष्ण को निगल जाता है। अब तो गोप बालकों की सांस ही रुक गई, जिसके साथ खेलते जो प्राण है सर्वस्व है आज उसको बगुला खा गया। सारे गोप बालक वहीं पर बेहोश होकर के मूर्छित होके गिर गए। देवताओं को चिंता हो गई, अरे हम तो इतनी मनमोहक लीलाएं दर्शन कर रहे थे भगवान की, अरे भगवान को कंस को भी मारना था, ये बगुला कैसे खा गया? सारे देवता आ गए। अब एक एक देवता ये बकासुर से युद्ध कर रहे हैं। इंद्र आए वज्र लेकर के, ये बगुले ने एक चोंच मारी, ऐरावत सहित इंद्र दूर जाके गिरा। पवन देव आए, अग्नि देव आए, सूर्य आए, चंद्र आए, सब अपनी शक्तियों के साथ आक्रमण कर रहे हैं, ये बकासुर सबको परास्त कर रहा है। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के आए, ये बकासुर ने भगवान शिव को भी परास्त कर दिया। यमराज यमदंड लेकर के आए, यमराज को परास्त कर दिया।
माँ भद्रकाली आई, उनको परास्त कर दिया। ये एक लीला मात्र से हम समझ सकते हैं बकासुर कितना शक्तिशाली था। अच्छा, जिसके भीतर कृष्ण हो उसको हरा भी कौन सकता है, अंदर तो कृष्ण बैठे हैं ना। युद्ध हुआ, सारे देवता परास्त हो गए, कुछ गोप बालकों की मूर्छा टूटी, हा कृष्णा कह के चिल्लाने लगे। तब कृष्ण ने सोचा अब मुझे बाहर आना चाहिए। इतना अंदर गर्म होने लगे, ये बगुले ने उगल दिया, बगुला उगला, कृष्ण बाहर आए और कृष्ण ने उस बकासुर की चोंच पकड़ के फाड़ के उसका वध कर दिया। आज बकासुर का उद्धार भगवान ने किया है। अच्छा, आप जैसे ताली बजा रहे हो ना, गोप बालक भी ऐसी ताली बजाते थे। जब भी कोई असुर मरता था जोर से ताली बजाते थे सारे गोपाल और बोलते थे कृष्ण वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, हमारे साथ रहते हो ना, देखो कितना कुछ सीख गए, ऐसा गोपालक बोलते थे। अब कंस गया, ये पूतना और बकासुर का एक और भाई था अघासुर के पास। कंस बोला पूतना गई वापस नहीं आई, बकासुर भी गया वापस नहीं आया, लगता है दोनों गए, अब आप ही जाओ मेरे काल का अंत करके आओ। अघासुर है बड़ा सा सांप है, अजगर सांप, और आकर के मुंह फाड़ करके वृंदावन में लेट जाता है। आकाश इसका ऊपर का मुख आकाश छू रहा है, नीचे के मुख में जीभ बाहर निकाल करके ऐसा लेटा हुआ है जैसे मानो किसी ने कारपेट बिछा रखा। गोप बालक देखते हैं ये तो नई गुफा दिख रही है। अच्छा, जहां ऐसा पांडाल लग जाता है ना, लोग एक बार देखने तो आते हैं, क्या चल रहा है थोड़ा देख के, हाँ इतना फुग्गा वुग्गा लगाया है, सब डेकोरेशन किया है, क्या हो क्या रहा है। तो ऐसे ही भगवान के सखागण देखते हैं इतना कारपेट बिछाया है लाल लाल, ये नई नई गुफा में है क्या, देख के आते हैं और नाचते गाते कृष्ण को देखते देखते गुफा में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भरोसा है यदि राक्षस होगा भी तो कृष्ण तो अपना एक्सपर्ट है ही, कृष्ण तो मार ही देगा। कृष्ण अघासुर के मुख में जाते हैं, अघासुर मुख बंद कर लेता है और प्रसन्न होने लगता है कि वाह आज मैंने कंस के काल को मार डाला। यहां कृष्ण अपना रूप बढ़ाते हैं, अघासुर का भी वध कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रतिदिन जब भगवान किसी असुर को मारते, नंद गोप नंद बाबा के घर में जाके सारे गोपगण ये कथाएं सुनाते थे कि आज कृष्ण ने इसको मारा, आज कृष्ण ने उसको मारा, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये जो अघासुर के वध की कथा है, एक साल तक नहीं सुनाई, एक साल निकल गया लेकिन ये कथा नहीं सुनाई। परीक्षित महाराज ने फिर पकड़ लिया, ये एक साल तक क्यों नहीं सुनाई। सुखदेव गोस्वामी मुस्कुरा के बोलते हैं बीच में एक और लीला हुई थी। क्या हुई थी? ये सारे ग्वाल बाल मिल करके प्रतिदिन वन भोज करते थे। अच्छा, माताएं जब अपने बालकों को पोटली में भोजन देती तो पता है क्या बोलती थी? पहले कृष्ण को खिलाना, कृष्ण जब संतुष्ट हो जाए ना फिर तुम खाना, ऐसा नियम था। तो सारे ये गोप बालक अपनी अपनी पोटली लेके जाते और यमुना के तट पर कृष्ण बीचों बीच बैठ जाते और सारे के सारे गोप बालक घेर के कृष्ण को बैठते, और जब कृष्ण को घेर करके बैठते एक एक करके अपनी अपनी पोटली खोलते। कृष्ण बोलते कृष्ण मेरी मैया ने ना दही भात भेजा है। कृष्ण को एक और अपने हाथ से खिलाते, तब तक दूसरे बोलता है अरे दही भात दूर हटा, मेरी मैया ने तो कचौड़ियां भेजी हैं गरम गरम, कचौड़ी तोड़ के खिलाता। कोई बोलता है मैं तो लड्डू लेके आया हूँ, कोई मालपुआ लेके आया हूँ, सब अपने अपने हाथ से खिलाते। अब मधुमंगल तो कुछ लाता ही नहीं, मधुमंगल की माता है सांदीपनी मुनि की पत्नी, वो तो रहती थी उज्जैन में। मधुमंगल रहते थे अपनी दादी के साथ, पूर्णमासी के साथ, जो साध्वी थी, घर में कुछ पकता ही नहीं था, लाएगा कहाँ से, और खाता सबसे ज्यादा मधुमंगल ही था। कृष्ण मधुमंगल को बोलते हैं मधुमंगल तू क्या लाया खिलाने के लिए? मधुमंगल बोलता है आंख बंद करो फिर खिलाऊंगा। कृष्ण आंख बंद करते हैं और कृष्ण जैसे ही मुख खोलते हैं मधुमंगल एक पुष्प तोड़ के कृष्ण के मुख में डाल देता है। कृष्ण चबाते हैं, कड़वा कड़वा पुष्प लगता है, कृष्ण बड़े नाराज होते हैं। सारे गोप बालक बोलते हैं देखो कृष्ण ये मधुमंगल बड़ा नटखट है, ऐसे नहीं चलेगा, हम जब अपना भोजन करते हैं ये मधुमंगल बोलता है वो देखो उड़ता हुआ हाथी, हम वहां देखते हैं हमारी प्लेट गायब कर देता है, ऐसे नहीं चलेगा, अब या तो ये अपनी पोटली लाए नहीं तो हमारी टीम से बाहर, ये शर्त है। कृष्ण
कृष्ण मधुमंगल को बोलते हैं, देख भैया सबने यही बोला है, तुझे कल अपनी अपनी पोटली लानी पड़ेगी, ये नियम है। बेचारा मधुमंगल कहाँ से लाए, ढूंढता है, घर में कुछ नहीं है, द्वार पर 2-3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई है, वही लेकर के आ जाता है। और जब ये कड़ी को लेकर के आता है, मन ही मन सोचता है कि चलो गोप बालक मान तो जाएंगे मैं कुछ लेके आया, लेकिन जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचता है, कृष्ण को देखते उसको लगता है अरे बासी कड़ी है, और कहीं कृष्ण ने खाया और ये बीमार पड़ गया तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ खुद ही खा लेता। और कृष्ण को देखते देखते गड़गड़ कड़ी पीने लगा। कृष्ण बोलते हैं ये फिर से नाटक कर रहा है। कृष्ण दौड़ के आते हैं और जब तक कृष्ण पहुंचे तब तक तो हड़बड़ी में मधुमंगल पूरी खड़ी कड़ी पी गया, कुछ कड़ी गाल पे लगी, कुछ कड़ी कपड़ों पे लगी, कुछ कड़ी धोती पे लगी और पात्र खाली। कृष्ण बोलते हैं मधुमंगल ये तो बहुत गलत है, आज तो तेरे घर की कड़ी खा के ही रहूंगा। और मधुमंगल की झूठी कड़ी भगवान उसके मुख से उठा उठा करके खा रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी के चारों सिर ऊपर घूमने लगे, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है, ये वही नारायण है जिन्होंने मुझे वेद ज्ञान दिया था, ये वही नारायण है जिनको हम पुरुषोक्त प्रार्थना गाते हैं और तब उनकी वाणी सुन पाते हैं, ये वही नारायण है जहां हम आचमन करके छूते हैं, यहां झूठा चाट के खा रहे हैं, ये भगवान है। परीक्षा करूंगा। परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी नीचे आए। यहां कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वनभोज कर ही रहे हैं, पास में बछड़े चल रहे हैं, ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को लेकर के गायब हो जाते हैं। यहां भगवान के सखा भगवान को बोलते हैं, भगवान कृष्ण ये बछड़े नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम लोग भोजन करो, मैं देख के आता हूं। हाथ में दही है, थोड़े चावल हैं, खाते खाते भगवान बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। बछड़े तो मिले नहीं, जब लौट के आए ब्रह्मा जी ने सखाओं को भी गायब कर दिया, अभी ना बछड़े ना सखा, कृष्ण अकेले हैं। कृष्ण जानते हैं कौन का काम है। ब्रह्मा जी कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण जी पिताजी हैं ब्रह्मा जी के। कितनी भी माया करो भगवान से छुप नहीं सकती। भगवान आज अनंत अनंत रूप बनाते हैं, जितने बछड़े थे जितने गोल ग्वाल सखा थे उतने रूप भगवान बना लेते हैं, और एकदम हूबहू, जिसको जहां तिल था वही तिल है, जिसका जो पैर लंगड़ाता था वही लंगड़ा रहा है, जो उल्टे हाथ से खाता है वो उल्टे हाथ से, जो सीधे हाथ से वो सीधे हाथ से, जो बछड़ा जैसी है वैसा, एक जैसा एकदम हूबहू कृष्ण ने विस्तार किया। और आज जब कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए हैं, प्रतिदिन तो गोपियां कृष्ण को निहारती थीं, आज अपने अपने बालकों को निहार रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण ही तो है जो उनके बालकों का रूप लेकर के आए हैं। इतना प्रेम न्योछावर कर रही हैं कि आज तक इतना बालकों को प्रेम नहीं किया। देखो पूतना ने कुछ क्षणों के लिए माता बनने का अभिनय किया, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और ये गोपियां तो भगवान को माता जैसा प्रेम करती ही थी दिन रात। तो आज कृष्ण उनके बच्चे बन गए, सबके घर में कृष्ण है। और गायें अपने बछड़ों को अपने प्रतिदिन से 10 गुना ज्यादा दूध पिला रही है। बड़े बड़े गोप गायों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, गाय भागी भागी बछड़ों के पास जा रही है। सामान्यतः बछड़े गाय के पास दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ गाय बछड़ों के आकर्षित होकर भाग रही है। इतना प्रेम ब्रजमंडल में, 1 साल तक भगवान ऐसे लीला करते रहे। वहां ब्रह्मा जी सोच रहे थे अब तो कृष्ण रो रहा होगा, मैंने सारे बछड़े सारे ग्वाल सखा छुपा लिए, अब तो बहुत दुर्दशा होगी, जाके देखता हूँ। जब ब्रज में आए तो यथावत आनंद चल रहा है, यहाँ तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा जी वापस जाते हैं, कहीं वहां से भाग तो नहीं गए। और जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जाते हैं तो ब्रह्मलोक के द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देते हैं, आपकी प्रवेश निषेध है यहाँ। मेरा प्रवेश निषेध है? हाँ। कौन का साहस है जिसने मेरा प्रवेश निषेध किया? बोले वो जो नीचे छोटा सा बालक था ना, जिसके बछड़े आप लेके आए थे, उसी ने दिया है निर्देश। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, नीचे आए, भगवान के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से प्रणाम करते हैं, आठों आंखों से, चार मुख हैं ब्रह्मा जी, आठों आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं।
हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। उन सारे बालकों में, उन सारे बछड़ों में अनंत अनंत विष्णुओं का दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्मा जी कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण माफ कर दो। कृष्ण बोलते हैं भाई क्यों माफ कर दें? ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई माता पिता बच्चों के अपराध को गंभीरता से लेता है क्या? मैं तो आपका बच्चा हूं। कृष्ण बोलते हैं मैं छोटा सा बालक, तुम दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति, मेरे बालक कहां से हो गए? ब्रह्मा जी बोलते नहीं, आप साक्षात मूल नारायण हैं और आपकी नाभि से कमल निकलता है उसमें तो मेरा जन्म होता है, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी करते हैं। अब कृष्ण और बड़े हो रहे हैं। आइए 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके इस अगली लीला में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण को नया नाम मिलने वाला है, तो बड़ी गंभीरता से ध्यान से श्रवण करना हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ओ अच्युत केशव कृष्ण दामोदर, अच्युत केशव कृष्ण दामोदर। ओ राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभ। ओ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, ओ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। ओ माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं। ओ अच्युता केशव कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभ। ओ कौन कहते हैं भगवान आ
खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, हो मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, ओ मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, ओ कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 ओ गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, ओ गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, ओ गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, तारा तुम चाहते नहीं, अच्युत केशव कृष्ण दामोदर, अच्युत केशव कृष्ण दामोदर, ओ राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभ, हे राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 दुखार से सेज सवर से दंपति दुखार से सेज सवर से लगत जहर से दुखकार
तारा हला जी तारा हला जी तारा हाथ बखाड़ो पची तारा पगला बखाड़ो हला जी तारा हाथ बखाड़ो पची तारा पगला बखाड़ो रावण सर गो राजी और प्रगट मेरो हला जी तारा हला जी तारा हला जी तारा हाथ बखाड़ो પછી તારા પગલા વખાણો પછી તારા પગલા વખાણો શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે નારાયણ વાસુદેવ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે